فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمْ رب اشرح لي لي صدري ويسر من من لساني قولي اللهم رشدنا شرور يا आज चूंकि हमें एक तवील सूरत का आगाज करना है लिहाजा मुनासिब महसूस होता है कि इस में जिस मकाम पर हम हैं उसे जेन में फिर दोबारा ताजा कर ले इस मुसफ के एतबार से इस वक्त हम तकरीबन बिल्कुल वस्त में हैं कुरान हकीम के सुरह बनीसराइल सूरह कहफ ये कुरान के बिल्कुल वस्त में एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है मक्की सूरतों का और ये बात मैं बारह आपके सामने रख चुका हूँ और यकीन अब बहुत से हजरात को शायद याद भी हो चुकी होगी कि इन दोनों सूरतों के अंदर बहुत गहरी मुमासलत है एक सूरत का आगाज़ अल्लाह की तस्बी से हुआ तो दूसरी का आगाज़ अल्लाह के हम से हुआ सुबहान लजी असरा बब्दीमराम की तस्बी है वो ज़ात के जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई बड़ी पाक है बहुत आला और है और सूरत कहा लजीलाबल वजह कुल तारीफ़ कुल हमद है उस जात के लिए जिसने अपने बंदे पर इस किताब को नाजिल फरमाया और उसमें कोई टेढ़ और कजी नहीं रखी फिर यह कि दोनों ही सूरतों के तकरीबन दरमियान में कस्सा आदम अबलीस भी मौजूद है जखामत के अतबाद से हुजूम के अतबाद से भी दोनों सूरतें तकरीबन यकसा हैं एक और पहलू मुशाबहत का यह भी है कि सूरह बनी इसराइल का आगाज हुआ जो आख, जो आखिरी आयत है सूरह बनी इसराइल की

मोहम्मद इस किताब को नाजिल फरमाया तो बहुत से अतबार से ये दोनों सूरतें एक दूसरे के बड़े मुशाबे हैं बाकी जहां तक मामला सूर्य कहफ का है इससे पहले के इस सूर्य मुबारक का हम बाकायदा आगाज करें इस सूरत का नाम है सूरतुल कहफ कहफ असल में कहते हैं कुशादा गार को ये गार तो वो है कि जो कहीं पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है लेकिन बहुत ही छोटा है जितना मुंह है बस उतना ही अंदर उसकी गुंजाइश मौजूद है लेकिन कहफ उस गार को कहते हैं जिसका मुंह तो छोटा हो लेकिन यह कि अंदर से बहुत कुशादा हो अंग्रेजी जुबान में यह लफ्ज केव जो है सी ए वी ई केव यह भी मालूम होता है कि यह कुरान हकीम ही की असल असिलाह थी कहफ जिससे केव ले लिया गया कहफ केव और आपको मालूम है कि के केव जो है वो गार को कहते हैं इस सूर मुबारक की नवी आयत है कि जिसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ जिसकी बुनियाद पर इस सूरत का नाम अल्लाह के रसूल वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से रखा इसलिए ये बात मैं पहले भी आज करता रहा हूँ कि जहाँ तक मामला है सूरतों के नामों का तो ऐसा नहीं है कि कोई नाम जो है उस सूरत के लिए बदरजा वान है ऐसी बात नहीं है तो वो होता है कि जिसमें फिर पूरी सूरत का मजमून जो है अपने उसवान के साथ जुड़ा हुआ होता है पुरानी अकीम की तवील तरीन सूरत बारह मैंने मिसाल दी सूरह बकरा नाम उसका अलबकरा अलबरा के मानी क्या है अरबी जुबान में बकरा गाय को कहते हैं लेकिन उस पूरी सूरत के अंदर दो या तीन आयात हैं या चार आयात होंगी कि जिसमें एक वाकई का जिक्र है जिसमें बड़ी इसराइल को एक गाय के कर्बान करने का हुक्म दिया गया था लेकिन बासूत ऐसी हैं कि जिनके नाम का बड़ा गहरा ताल्लुक उस सूरत के नफ़ मजमून के साथ भी होता है सूर्य क्यामा उनतीसवें पारे में पूरी सूरत जो है दो रुकू चालीस आयात पर मुश्तमिल उसका मरकजी मजमूनी क्यामत है बासे बादल मौत है आखिरत है तो इस सूर्य मुबारक का नाम जो है इस सूरत की नवी आयत है इज अवल फित या तो इलल काफी जबकि चंद नौजवान थे कि जिन्होंने कसर कर लिया और उन्होंने अपनी बस्ती को छोड़ा और रुख किया एक कहफ की तरफ एक गार की तरफ कुशादा गार की तरफ वाकई इनशा बड़ी तफी से पढ़ लेंगे फिर इस शुरह मुबारक का ज़माना नज़ुल है मौलाना मदूदी अलैह ने नबी अक्म सल्हम की मक्की ज़िंदगी को चार अदवार में मुनकसम किया और कुरान में ये बात मौजूद है कि इसका जमाना नजूल हुजूर की मक्की ज़िंदगी का तीसरा दौर है आप जाहिर है कि यह बात उस वक्त तक वाज नहीं हो सकती जब तक आपको मालूम ना हो ये चार अदवार हैं कौन से पहला दौर वो है जो तब तकरीबन इब्तदाई दो साल पर मुश्तमिल है मुमकिन है दो ढाई या डेढ़ साल जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूत का दावा किया आप पर वही के सिलसिले का आगाज हुआ तो बात जो है बिल्कुल ही चुटकियों में उड़ा दी गई कि तो मालूम होता है कि ये इनका मामला जो है कुछ खलल दिमागी का है मज़ाल्ला सुजल्ला और फिर ये कि ये भी सोचा गया कि एक दीवाने की बाढ़ है कुछ ही अर्से के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा फिर कोई जाहिर है कि इसका नाम लेवा या इस बात को आगे बढ़ाने वाला नहीं होगा बिल्कुल जिसे आपका ये बात को चुटकियों में उड़ा देना और उसके फौरन बाद जब देखा कि ये चुटकियों में उड़ते हुए बात जो है वो ख़त्म नहीं हो रही तो अब फिर तंज भी है तशनी भी है बुरे बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए नबी कम सल्ला वसलम को झूठा भी कहा गया साहिब भी कहा गया मजनून भी कहा गया और इस दौर में जो सूरत नाजिल हुई उसमें नबी अकम स को बड़ी तसली और तशफी दी गई और अमान तभी नमत रबिका भी मजनून रब ए नबी सल्लाम आप पर आपके रब का बड़ी नहमत बड़ा एहसान है आप मज़िला मजनून नहीं है आप दीवाने नहीं है आपके को कोई खलल दिमाग का अर्जा नहीं हो गया और ये कहते हैं कि आप साहिर हैं आप काहिल हैं जो साहिर होता है उसकी शख्सियत ऐसी साफ सुथरी होती है जैसी मोहम्मद की है सल्ह वसलम जो कायन होता है उसका कौल या उसका कहना या उसका जो मामला है जिंदगी का ऐसा होता है निखरा हुआ साफ सुथरा जैसा नबी अकम सल्ला वसलम का है तो अब यह तमाम चीज़ें कि जो उस दौर में हजूर के बारे में कही गई और जाहिर कर हजूर के बारे में कह दिया गया जिनको उसी बस्ती के रहने वालों ने असाद और अमीन का खिताब दिया था का लकब दिया था तो सब कर राम के तो कि उनके बारे में जो अल्फाज कहे होंगे वो तो फिर आप खुद उसको क्यास कर सकते हैं लेकिन जो आमतौर हकीम पर पर में भी जिन आयात का भी मैंने आपको हवाला दिया उसमें नबीक कम सलील्ह वसलम की शान में बहुत ही नाजिबा अल्फाज कहे गए तो दूसरा दौर यह था कि जिसमें फिर तंज और तशनी और बुरे बुरे अलाबात और बुरे अल्फाज से जो है नबी कम सल्ला वसलम को गोया कि मनसूब किया गया उनफा के साथ दौर वो है जो तकरीबन डेढ़ दो साल से लेकर और छठे साल तक चल रहा है छठे साल से लेकर और नवे साल तक का ये दौर है जिसे मौलाना मदूदी रहमत ने कहा यह तीसरा दौर कि जिसमें अब मामला जो है सिर्फ पहला दौर तो था चुटकियों में उड़ा दो कोई परवाह नहीं खुद बखुद ये बात खत्म हो जाएगी दीवाने की बढ़ है माजल्ला दूसरा यह कि बहुत ही बुरे बुरे, बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए अभी प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं हुई थी तशद शुरू नहीं हुआ था अब तीसरा दौर यह है सन पांच या सन छे से लेकर और सन नौ तक कि जिसमें अब शदीद तरीन प्रोसिक्यूशन शुरू हो गई तहजीब इन्हें तंग करो इन्हें मारो इन्हें इस दर्जे जो है वो जिसे आप कहते बोखला दो इनको कि इनके पैर उखड़ जाए और जाहिर है कि ये बात भी फिर से वो समझते या सोचते तो यह थे कि शायद हो जाएगी बात बड़ी कारगर होगी लेकिन यह कि कोई एक मिसाल भी इस दौर के तशद के रद्द अमल में ऐसी नहीं मिलती कि कोई ऐसा शख्स के जो हजूर पर ईमान लाया हो वापस पलट गया हो कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं बल्कि यह कि अपनी जानू का नजराना तक पेश कर दिया हजरत यासिर रजी अल्लाह तन हजरत स्मैया रजी अल्लाह तिर जिस कदर टॉर्चर किया गया उन साहब कराम को हजरत ओस्मान रजी अल्लाह तक जिस तरह टॉर्चर किया गया हजरत उबकर को इतना मारा इतना मारा कि अपनी दानिश में मुर्दा समझ कर वहां से चले गए तशद्द खुद नबी अकम सल्लाम के साथ भी हुआ और इब्तदा जिसमें ज्यादा मार पड़ी थी हजरत उबक सद्दीकल्ला तु को तो उस मौके पर असल में दराज़ी का मामला हजूर के साथ हो रहा था तो हजरत उबकर सिद्दीक प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़े तो जो लोग भी हजूर के साथ दस्तराजी का मामला कर रहे थे उन्होंने हजूर को तो छोड़ा और फिर अबू बकर को पकड़ कर जो मारा है कि अपनी दानिश में मुर्दा समझ कर वहां छोड़कर गए अब ये वो दौर है कि जिसमें शदीद तरीन तहजीब है प्रोसिक्यूशन है टॉर्चर है और इसी दौर के फिर आखिर में बात वहां तक पहुंची थी कि नबी कम सल्लाम ने इजाजत दे दी थी मुसलमानों को कि शख़्स भी जाना चाहे, ये करीब की सरजमीन हबशा मौजूद है वहाँ एक ईसाई बादशाह है बड़ी उसकी जो है उसकी जैसे आप कहिए रहमदिली के कस्से भी होंगे अदलोन से काम लेवाना है जो जानना चाहता है वहां चला जाए लिहाजा हिजत हबशा हुई है पहली हुई फिर दूसरी हुई लेकिन यह सूरह मुबारक हजरत हबशा से पहले की शुदा है इसलिए कि उन्होंने साथ ही यह भी हमत बयान की हमारा मौजूद रहमत असल में यहां असाब कहाफ का वाक्य सुनाकर वह मुसलमान नौजवान जो हजूर पर ईमान ला चुके थे जिनके साथ अब शदीद तरीन जो है वह तहजीब का मामला हो रहा था तो उन्हें गोया कि उनकी हिम्मत बनाई जा रही है कि आया वो आखिर वो भी तो नौजवान थे ना हालांकि उस दौर में भी कोई नबी और रसूल नहीं था, जिसकी था। तो कि था था। जिसकी माइत में उन्होंने वो टॉर्चर बर्दाश्त किया होता वो तो अपने नौ, अपने इलाके के गोया के उस दौर के नौजवान थे कि जिन्होंने कल हक कहा वो जाविर सुल्तान के सामने खड़े होकर उसके बाद फिर उन्हें जो है वो गार के अंदर जाकर पनाह लेनी पड़ी तो वो भी तो आखिर ऐसे थे ना जिनके अंदर वो हिम्मत मौजूद थी वह जवा मर्दी मौजूद थी उन्होंने फेस किया लिहाजा उन नौजवानों को भी गोया के एक एतवार से गोया कि उन्हें तसली दी जा रही है कि ऐसी बात नहीं है तुमसे पहले कुछ नौजवान ऐसे थे असहाबिकाफ का वाक्य उस भी बयान हो गया अगर कि उसमें एक तफसी रिवायत भी है वो मैं भी आपको सुनाऊँगी अपने कसीर उनको लेकर आए हैं और उसके अलावा और भी तफासिर के अंदर उसका जो है जिक्र किया गया तो ये शुर मुबारक ज़माना नज़ूल के अतबार से अब बात आपकी समझ में आई होगी कि जिसमें गोया के अब यह तीसरा दौर है चौथा दौर फिर वो था जो आखिरी जिसमें अब गोया कि उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि अब तो हम महम्मद को कतल करके दम लेंगे सल्ला वसलम महाजल्ला सुबह महाजल्ला अब आइए अगली बात की तरफ कि इस सुरह मुबारक की बहुत से फ़जाइल भी हैं आप में से बहुत से चूँकि इस सिलसिला दस में मौजूद हैं और पहले भी जो भी दीन की तालीमत हैं उनसे यकीन बाबर होंगी तो सूर्य कहव के हवाले से उन्होंने बाज़त सुनी भी होंगी पढ़ी भी होंगी कि इसकी खसूसी फजीलत है फितना द्जाल से अपने आप को महफूज रखने के अतबार से तो तीन अहादीस मैं नोट करके लाया था हजरत अबर्रा इबन आजिब रजी अल्लाह तन ये एक रिवायत के रावी हैं कि जो मुतफकन अल रिवायत है मुस्लिम और बुखारी दोनों में मौजूद और ये बात भी बारह कही जा चुकी है कि सनत के एतबार से इससे ऊंची किसी रिवायत का आप तस्वुर नहीं कर सकते जो उसी रावी से मुस्लिम में भी मौजूद हो और बुखारी में भी मौजूद है सहाय सत्ता में टॉप की दो किताब है बुखारी सबसे ऊपर असहलकुतब इबाद किताब अल्लाह की किताब के बाद इजरू अर्जी पर सही तरीन मुस्तनद तरीन किताब सही बुखारी ये अल्फा आपने खुतबात जुमा के अंदर आमतौर पर सुने होंगे असहुल्कतब इबाद किताब बुखारी और उसके बाद गोया कि फर्क मरातब के अतबार से दूसरा नंबर आता है मुस्लिम शरीफ का तो यह रिवायत दोनों में मौजूद है मुतफ़ुन अलह रवायत बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद हज़रत इब्ने आजिब कहते हैं रजी अल्लाह एक, एक दिन अगरचे रात का वक्त है इसलिए आगे अल्फाज हैं एक दिन जबकि रात के औकात में मैं सूरह कहाव की तिलावत कर रहा था अपने घर में तो अचानक मैंने महसूस किया कि मेरा घोड़ा जो है बहुत ही जोर से भिदकने लगा यह परेशान हुए इसके इसलिए यह भी ख्याल हो सकता था कि शायद कोई मुझी जानवर करीब आ गया है या किसी ने सांप या बिछुने को डंग मार लिया है कोई डस लिया है कालबन ये बात भी उनके जहन में की लिहाजा ये फौरन बाहर निकले बहुत बुरी तरह वो बिदका अब वो फरमाते हैं जब मैं अपने घर से बाहर निकला घर क्या वो छोटा सा हुजरा होगा छोटा सा सेन होगा और उसी सेन में या उसके बाहर जो है घोड़ा बंधा हुआ था जो अचानक उछलने लगा बिदकने लगा अब जाहिर है सूरत यह है कि उस वक्त हजरत बर्राह इब ने आज रजी अल्लाह तूरय कहाफ़ की तिलावत कर रहे थे जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा मैंने जैसे ही देखा घोड़े की तरह फौरन मेरी नजर आसमान पर गई तो पूरा आसमान जो है इस तरह मुनवर था कि गोया के नूर की बारिश हो रही थी और मैं बड़ा घबराया इसलिए कि यह कैफियत आम तौर पर आसमान की होती है थी। ठीक है तारों भरा आसमान का कितना ही रोशन क्यों ना हो उसकी रोशनी या उसका नूर जो है एक हद तक होगा ना उसे आगे तो नहीं बढ़ेगा लेकिन उस दिन जिसे कहिए गैर मामूली तौर पर पूरा आसमान जो था इंतहाई जैसे कुमकुमों से रोशन हुआ मनवर तो कहते फिर मैं घर चला गया मैंने फिर वो सूरत की तिलावत मुकम्मल की फजर की नमाज के बाद फिर मैंने नबी कम सल्ला के गोश गुजार किया ये वाक्य किस तरह मैं सूर्य कहाव की तिलावत कर रहा था कि अचानक मुझे अपने घोड़े के जोर जोर से उछलने की और भिदकने की आवाज आई हिलाने की आवाज बाहर निकला तो मैंने आसमान की कैफियत देखी इस पर नबी अकम स ने फरमाया कि वो असल में नूर सकीनत था कि जो उस, उस वक्त नाजिल हो रहा था हदीस के अल्फाज ये हैं और इसी को जोड़ लीजिए नबी याकम सल्ला वसलम की वो हदीस कि मजतमा कौमी बेत मुंबल यतलू न किताब अल्लाह वसू नई नू जब भी अल्लाह की किसी मस्जिद में या किसी घर में बैतु के अल्फाज है पुराने हकीम की दरसो तदीस का मामला होता है उसकी तालीम तल्लम का मामला होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को नाजिल फरमाता है नजल सकीना और उनके ऊपर सकीनत नाजिल होती है तो हजूर ने फरमाया नूर सकीनत था कि जो नाजिल हो रहा था जिसको तुमने आसमान पर जो है जिस तरह बड़े कुमक में रोशन हो चुके हूँ तो इस तरह मुनवर तुमने आसमान को देखा ये बर्रा इब्न आजब रजी अल्लाह तक अपना वाक़ा है जो बुखारी और मुस्लिम फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ दोनों में मौजूद हूँ दूसरी रिवायत हजरत अबूदरदास रजी अल्लाह हो और यह मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि उन्होंने फरमाया जोशी इस सूरत की दस आयात की तिलावत करता है अब उसमें इसका तयन नहीं है कि दस आयात में आया पहली आयात क्यूँ कौन सी है और आज सूरत के आखिरी हिस्से की आयात कौन सी है लेकिन यह कि अगर आप इसकी तिलावत करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पहली आठ आयात और दो आयात सूरत के बिल्कुल आखिर में पहली आठ आयात तो गोया के जाम तरीन तमहीद बनती है सूरह मुबारक की जिसके फौरन बाद अब कहफ का वाक्य शुरू हो गया इब्तदाई आठ आयात सूर्य कहफ की और आखिरी दो आयात जो है उल्लान बिदादी बहु और उसके बाद आखिरी आए दो आयात जो है सूरह कहफ के बिल्कुल आखिर में तो गोया के महसूस होता है उन्होंने जो दस आयात का लफ्ज इस्तेमाल किया उस हदीस में जो मुस्लिम शरीफ में अबारौजू है जो शख्स भी हजूर ने फरमाया इस सूर्य में बार का कि दस आयात की तिलावत करता है रोजाना रोजाना के अल्फाज अगर चाहिए उसमें मौजूद नहीं है लेकिन समझा जाएगा इसलिए कि जुमे के जुमे जिस हदीस का जिक्र है उसमें पूरी सूर्य कहाव की तिलावत का जिक्र है तो उस हदीस में फरमाया हजूर ने कि अल्लाह ते दाली फितने से महफूज रखता है अब दस आयात अगर आप सूरज की बिल्कुल इब्तदा में लें तो आठ आयात तो पहली और दो आयात में सूर्य कहाव का आगाज असहाब कहाव के किस्से का आगाज हुआ लिहाजा ज्यादा बेहतर यह लगता है कि पहली आठ आयात और आखिरी दो आयात ये कुल दस आयात बनती हैं कि जिसमें गोया के उसकी जो फजीलत है जिसमें हजूर ने फरमाया कितना दर्जात से अल्लाह उसे महफूज रखेगा इस रिवायत के रावी हैं अबूदरदार रजील्ला और मुस्लिम में मौजूद इसी तरह मशकास शरीफ की रिवायत है बहती की हजरत अबू सैदुजरी रजी अल्लाह तु और यह रवायत आपने अक्सर सुनी भी होगी कि ने फरमाया कि जो शख्स भी हर जुमे के दिन मुबारक की तिलावत को अपना मामूलों के सलाहियत कह लीजिए या खसूसी हमत कह लीजिए आप भी मांगते होंगे अल्लाहार हमारे कलूब को ईमान से मुनवर कर दे तो गोया के सबसे सब बड़ी दौलत जो इंसान को हासिल हो सकती है वो तो नूर ईमान है तो फरमाते हैं हजरत अबू सईद सईद्रजील तन के रसूल ने इशात फरमाया कि जख्स भी हर जुमे को इस सुर मुबारक की तिलावत को अपना मामूल बना ले तो अल्लाह ताला उसे एक नूर अता फरमा देता है और अल्फाज दो जुम्मे के माँ बहन कि हर जुमे अगर वो पढ़ रहा है तो पूरे सात के सात दिन जो है वो अल्लाह ताला उसे एक नूर अता फरमाएगा जिसमें गोया कि उसके लिए इस्लाम की तालीमात पर अमल करना बहुत आसान हो जाएगा और फिर जो यकीन और शर सदर की कैफियत उसको हासिल होगी जिसको अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने नूर से ताबीर किया ये तीन रिवायात मैं ख़ास तौर पर नोट करके लाया था इस सूरह मबारका की फजीलत के हवाले से अब आइए कि इस सूरत के जो बड़ा हिस्सा है जिसमें असाब काफ़ का वाक़ है फिर रन का वाक़ है उसके बाद हज़रत मूसा स्ल्लाम का जो एक सफ़र हुआ था हज़रत खज़र के साथ उसका वाक़ जो हजरा भी सूरत को पढ़ते हैं मुताल करते हैं सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि मुाले करते हैं गोया कि जो पढ़ रहे हैं उसको समझ भी रहे हों का तर्जुमा या उसके हवासी या उसके तफासिर जो है वो भी अगर उनके इल में हो तो उनके इल्म में है कि ये तमाम बातें सूरत में मौजूद हैं तो इस सूरत का बड़ा हिस्सा असल में तीन बड़े बड़े वाकयात पर मुश्तमिल है असहाब कहा हजरत मूसा और हजरत खजर का मामला क्या हुआ था और तीसरे जुल्क अगरचे दरमियान में वालों का किस्सा भी है इस दुनियावी जिंदगी की मिसाल भी दी गई और भी बहुत जाम आयात है यह असल में तीन सवाल थे अब यहां मैं खासतौर तो पर कसीर का हवाला दूंगा और यह बात मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इबन कसीर का जब आप मुताल करें तो उसमें अक्सर वेशतर जो रिवायात होती है उसमें हवाला दर्ज नहीं होता लिहाजा बाद के दौर में लिखी की जितनी भी तफासिर हैं उसके अंदर सिर्फ यही बात कहकर जो है आगे बढ़ जाते हैं कि इब्ने कसीर में ये रवायत मौजूद है जब आप इब्ने कसीर को देखते हैं उसमें आगे किसी किताब का हवाला नहीं है लिहाजा इस वाक़े के साथ भी किसी का हवाला मौजूद नहीं लेकिन ये वाक़ा मौजूद है कि अहिल मक्का ने अपने में से दो अशासा का इंतब किया नजर अबिन हारिस और एकबा इबन मुई, अबी मईद ये दो अशासनों काफिरों के सरदार थे और जब प्रोसिक्यूशन या तशद का मामला होता है तो उनका जिक्र आता है कि मुखालफिन जो थे अल्लाह के रसूल की और वो लोग जो अल्लाह के रसूल पर ईमान ला चुके थे तो उनमें बहुत ही पेश पेश रहने वाले नजर अबिन हारिस भी था और दूसरा कुकबा इबन अबी मुयत इन दो को अहल मक्का ने मंतखब किया और इन्हें भेजा अब ये गोया कि इस सुर मुबारक के शाह नजूल गोया के ये तरीबन सन चार या पांच नबी की बात होगी इस सूरत का जमाना नजूल है छः या सात नबी हजरत अफशा से पहले तो इन दो को भेजा के जाकर मदीना में यहूदी आबाद हैं और वो इस बात को का दावा करते हैं कि हमारे पास जो है अल्लाह की किताबें मौजूद हैं तो आज भी है और ईसाई कहते हैं इंजील भी मौजूद है तो जाकर जरा उनसे पूछो कि हमारे यहाँ एक नए नबी का एक जो है वो चर्चा हो रहा है वो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं अल्लाह का रसूल हूँ उसके बारे में उनकी किताबें क्या कहती हैं तो यह दोनों अब मक्का से रवाना हुआ बड़ा तवील सफल जाहिर है कि आज तो आप मक्के से मदीना मेरा ख्याल है चार या पांच घंटे में पहुंच जाते हैं एक सौ बीस एक सौ तीस किलोमीटर की स्पीड से लेकिन जहां किसी घोड़े के ऊपर जाना है घोड़े को सस्ताने के लिए भी वक्त देना है फिर खुद भी आराम करना है तो कई दिन लगे होंगे तो ये जब मदीना पहुंचे और वहां जाकर यहूदियों से उन्होंने रबता किया तो यहूदियों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने कहा हम तुम्हें इसका बड़ा आसान सा बताते हैं और वो हल ये है कि ये तीन सवाल करो मोहम्मद से जाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत का दावेदार है और अगर कि उस रिवायत के अंदर जो इब्ने कसीर में मौजूद है इसका आप तफी आगे जिक्र मौजूद नहीं है लेकिन महसूस होता है उसको पढ़ते हुए कि गोया कि उन्होंने बता दिया कि तीन सवाल उनसे करो और उसका जवाब हम तुम्हें बताते हैं अगर मोहम्मद यही जवाब दें सल्लाम तो फिर तो वह यकीन अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल हैं लेकिन अगर वो जिसे आप कहिए कि आएं बाएं शायें हो कोई बगलें झांकने लगे वो अचानक परेशान हो जाए किस का सवाल होगा या उसका कोई जवाब बनना पड़े तो फिर वो झूठे और फिर तुम्हें इख्तियार हासिल है कि झूठे के साथ जो सलूक किया जाता है तुम करो उनके साथ अब यहूदियों ने यह कहा कि तीन सवाल वो थे कि जो इस सूरह मुबारक में मौजूद है अगरचि इससे पहले एक रिवायत मैं आपको सुनाता रहा हूँ कि जिसमें तीन सवाल जो है कुरैश मक्का ने यहूदियों के सिखलाने पर किए थे लेकिन तफसीली अब ये मेरे मताले में आई ये बात सबसे पहला सवाल तो उनसे जाकर पूछो जिन्होंने रसालत का दावा किया है कि ये असहाब कहाव का वाकया क्या था और मालूम होता है कि मक्का के रहने वालों में से किसी को उस वाकई का इल्म नहीं था जरायर रसलो तरसील कह लीजिए या कम्यूनिकेशन जिसको कहते हैं ज्यादा सही अल्फाज में वो उस दौर में वो तो नहीं थे कि जो आज मौजूद हैं आज अगर अमरीका के अंदर कहीं स्ट्राइक हो जाती है तो आपको अगले ही लम्बे यहां पता चल जाता है कि वहां स्ट्राइक हो रही उस जमाने में तो ऐसा नहीं था लिहाजा अहले मक्का को या बहुत से लोगों को असहा काब के वाकई का इलम था जाकर पहला सवाल तो उनसे ये करो और दूसरा सवाल करो जोलकर के हकीकतुल कौन थे और तीसरा सवाल करो कि मूसा और खिजर का मामला क्या हुआ था हजरत मूसा यहूदी उनकी नबूत के कायल थे ना हजरत ईसा की तो उन्होंने तकज़ीब की थी यहूदियों ने उन्हें तो अपने बस परते जो है वो सूली पर चढ़ाकर दम लिया था लेकिन यह कि हजरत मूसा स्लम को तो अपना रसूल मानते थे तो हजरत मूसा का जो मामला खिजर के साथ हुआ था ये तीन सवाल उनसे करो और अगर वो सही जवाब दे दें जाहिर इसमें उनकी तरफ से यह जो बात कही गई तो उन लोगों ने यहूदियों ने इन दोनों को उसके सही जवाब आप बता भी दिए होंगे कि अगर ये जवाब दें तो उसके मानी है वो नबी है अब इन्होंने ये तीनों सवाल सुन लिए और आ गए यहां आकर जो है से दोनों गए और जाकर पूछा कि हमें जरा इन तीन सवालों के जवाब दो अगर इससे पहले जो मैं रिवायत आपको सुनाता रहा उसमें तीसरा सवाल यूना कानी रूह के बारे में था वो एक और रिवायत है कि जिसमें दो सवाल वो हैं कि जिनका जवाब सूर्य काफ में दिया गया जलकर नैम का वाक्य सहाब कहव का वाक्य और तीसरा सवाल उस रिवायत में था रूह के बारे में पूछो और बनी में हम पढ़ चुके कानी रूँ, कुले रूँ मिन अब यहाँ भी ये यह जो वाक्य जो एक नई डायमेंशन उसमें आती है कि हजूर से जब जाके इन्होंने कहा तो आपने कह दिया मैं तुम्हें कल बता दूंगा अब इस बात को नोट कीजिए सूर्य कहाव के अंदर इसके ऊपर भी अल्लाह तरफ से एक गोया के एक भी आ गई वला तकुलन गदन इल्ला इंशा अल्लाह कभी यह बात ना कहो कि कल मैं ये काम करूंगा मगर इंशा अल्लाह के साथ ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका वो असल में इस वाके के साथ है वो वाकई का अगला हिस्सा कि जब इन्होंने आकर इन दोनों ने नजर इबन हारिस ने और इबन अबी मोयत ने आकर जब हुजूर से कहा तो हुजूर ने कहा मैं कल बता दूंगा और इंशाला नहीं कहा जाहिर है कोई आमदन माजल्ला, माजल्ला, नहीं सोच सकते। कोई मुसलमान भी आमदन नहीं कर सकता में कह कि मैं तुम्हें कल बता दूंगा पंद्रह दिन गुजर गए और हजरत जिब्राइल नहीं लाएल आएंगे और उनका मामूल है आने का रोजाना दूसरे दिन आ जाते हैं तो मैं उनसे पूछ के बता दूंगा पंद्रह दिन गुजर गए और नबी अकम सब जाहिर यह भी महसूस हो रहा है कि मैंने इनसे कहा था बता दूंगा मैं जवाब नहीं दे पा रहा दूसरी तरफ ये दोनों जो आए थे अपने तीन अब दिल में खुश हो रहे थे कि मालूम होता है कि झूठे हैं महाजल्लाह इसलिए सवाल का जवाब इनके पास नहीं है पंद्रह दिन गुजर गए और पंद्रह दिन के बाद फिर हजरत इब्राहम जब आए हैं तो इन तीनों सवालों पर मबनी वो आयात जो सूर्य काफ में वो बहुत बड़ा हजुम बनता है यह सहाब कहा का जो वाकबन ढाई रुकों पर मुश्तमिल है इसी तरह हजरत मूसा हजरत खजर का वाक़ तकरीबन दो रुकू पर मुश्तमिल है हजरत ुलन का वाक़ा जो है वो भी तकरीबन एक डेढ़ रुकू पर मुश्तमिल है तो काफ़ी तवील आयात बनती हैं वो फिर नबी याकम सल्ला वसलम पर अकबार की नाजुल हुई और फिर आपने वो आयात पढ़ कर सुनाई कि ये हकीकत हैफ़ की ये हकीकत है लकरनैन की और ये वो वाक़ है जो हजरत मूसा स्ल्लाम और हजरत ख़जर के दरियान हुआ था तो ये तवील रिवायत चूँकि मेरी इल में भी पहली मरतबा आई थी तो लिहाजा मैंने आपको इसमें पूरी तरह शेयर भी किया है फिर हवाला दे रहा हूँ ये इबन कसीर में मौजूद है लेकिन यह कि उसमें आगे किसी और किसी हवाला जात का जो है कोई जिक्र मौजूद नहीं लेकिन अपनी जगह इबन कसीर चूँकि बहुत सल्फ से लिखी हुई तक है लिहाजा बाद के दौर में जितनी भी तफासिर लिखी गई तो अक्सर बेशतर जो है रिवायात वो सिर्फ़ ये हवाला देकर के इबन कसर में मौजूद है हवाला इबन कसीर जो है गुजर जाते हैं गोया के जो रिवायत भी अबन कसीर में है उसकी यकीन है पूरी तरह ऑथेंटिसिटी जो है उसकी सनद उसकी सेहत उसकी दिखत उसकी रिवायत हर शायद जो है पूरी तरह मुस्कम होगी ये चंद बातें वो थी जो इस सूरह मुबारक के हवाले से मैं तमहिदन अर्ज करना चाह रहा था अब आइए कि इस सूरत का हम बायदा मुताल शुरू करते हैं

वहां नजना तंजीला का लफ्ज पड़ा था हमने कि हमने इस कुरान को आप पर नाजिल किया बहुत ही ठहर ठहर कर वक्फे वक्फे से आहिस्ता आहिस्ता ताकि आप उसका तहमुल कर सकें बर्दाश्त कर सकें और उस मौके पर मैंने अर्ज किया था कि इंजाल के मानी है यकबारगी किसी शह को नाजिल कर देना और यहां वो नाजिल करना जो मुराद है वो लोहे महफूज से समाये दुनिया तक अल्लाह तला को नाजिल फरमाया अनजल रात का वो एक लम्हा था या एक साथ थी कि जिसमें अल्लाह कलाम को लोहे महफूज से समाये दुनिया तक मुंतक कर दिया था और उसके बाद नबी अकम कुरान जो नाजिल हुआ है तो बतज तंजील नाजिल हुआ है वह नजल ना तंजीला यह सूरह कहार बनी इसराइल की आयत नंबर एक सौ छत्तीस जो हमने पिछली मरतबा पढ़ी थी अब यहाँ सबसे पहले इस लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह को नोट कीजिए अगर बारह वो बातें मैं आज कर चुका हूँ उसका मैं अदा नहीं करूँगा कि हम के मानी क्या है सिर्फ तारीफ नहीं है बल्कि ये कि इसके अंदर शुक्र के जज्बात भी होना चाहिए और बहुत से वो अजकार मननूरा मौजूद हैं कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लाम ने अपने उस जिक्र का आगाज़ जो अलहदल्ला से किया कोई नेक काम इंसान से अगर बन पड़े अलहमदी हदाना लिहाजा माकिन ये तो कुरान की आयत भी है और ये कलमा हम तो वो है कि जब अहले जन्नत जो है जन्नत में पहुंचा दिए जाएंगे तो वो तराना हमद उनकी ज़ुबान पर आएगा कि कुल तारीफ कुल हमद कुल शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने हमें हिदायत फरमाई और यहां तक पहुँचा दिया अलहमद ला लजी हदान लिहाजा लेकिन ये कि कोई भी नेकी का काम अगर आपसे बन पड़े आप

फिर सूरह कहाफ है अलहमदिल्लाज़ी अंजला अला आबदी जो हम पढ़ रहे हैं ये भी मक्की सूरत है फिर सूरह सबा और सूर फातिर, ये दोनों सूरतें बिल्कुल साथ साथ जुड़ा जुड़वा सूरतें हैं और दोनों का आगाज लफ्हद्ला से हुआ तो पांच मरतबा तो ये लफ्ज़ अलहमद्ला सूरतों के आगाज़ में हुआ गोया कि अल्लाह के हम से किसी बड़ी सूरत का तवील सूरत का आगाज़ हो रहा है सिवा सूर फातह के वो मुख्तर है बाकी तमाम सूरत तवील हैं लेकिन जहां आप कहेंगे सूरतों के दरमियान भी लफ्ज अलहमदुल्ला तेईस में सिर्फ पांच निकाल दीजिए तो अट्ठारह मरतबा हकीम में सूरतों के दरमियान में भी वकुल हमदुल्लाजी लमयद तखिज वहां सूरत का आगाज तो नहीं हो रहा है सूरह बनी साई के आखिरी आए थे वकुल हमदुल्ल लजी लमयद व अट्ठारह मरतबा कुरानकीम में अलहदुल्ला जो है वह सूरतों के दरमियान में आया इसका फौरी तौर पर मैंने तक किया कि सुबहान अल्लाह के लफ कुर में कितनी मरतबा आया तो सतन इन अल्फाज के साथ सुबहान अल्ला मैंने अर्ज किया था कि सूर्य बनी साइल का आगाज अल्लाह की तस्बी से हुआ लेकिन वहाँ सुबहान अल्लाह नहीं है सुबह असराब अब मस्जिद तस्बी तो है लेकिन अल्लाह का नाम लेने की बजाय कहा गया कि वो जब के जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद असा तक ले गई अगर जी तस्बी वहाँ है लेकिन खालिश इन अल्फाज के साथ सुबह नुरान हकीम में सात सूरतों में आया है किसी सूरत का आगाज अल्लाह से नहीं हुआ सूर्य रूम में आया सूर्य साफात में आया सूरह अंबिया में आया सूर्य यूसुफ में सूरह मोमिन में सूर्य नमल और सूरह तसस में बाएं नहीं ये अल्फा सुबहान अल्लाबहान अल्लाह हिन तुम सूनत सूरह रूम में आया और कुरान हकीम में ये लफ्ज जो है और नस्बतों के साथ बेशुमार बल्कि मैं, मैं गिनती कर रहा था शुमार कर रहा था तो गलबन को चौवन मरतबा आया

तो चौवन मरतबा तस्बी के अल्फाज आए हैं कुरान में मुख्तलि सुबहान के साथ भी आया सुबह के साथ हल इल्ला बशर रसूला। वो भी तस्बी है लेकिन यहां नस्बत जो है रबी की आ गई मेरे रब की तो अब ये अल्फाज के एक एतबार से दोनों जिनके बारे में वो अल्फाजी वसलम के सुनाए थे सुबह ये लफ्ज अल्लाह जो है वो इंसान का जो नेकियों का पलड़ा है मीजान में जो नेकियों वाला पलड़ा है खैर वाला पलड़ा है उसको भर देता है वह अलहमदुल्लाम लमलवऊ मां वल ने और लफ्ज अलहमदल्ला जो है न सिर्फ ये कि उस निश को पूरा कर देता है निस तो अल्लाह के लफ्ज भर गया लेकिन के लफ्ज़ जो है न सिर्फ यह उसको पूरा कर देता है बल्कि अलहमद के लफ्ज इस जमीन व आसमान की हर शय को भर देता है तम लहू न सिर्फ उसको भरता है तम मा बैन लहू माबाई इसी तरह तो वो हदीस आपको बारह सुनाई अब ये चीजें तो याद हो जानी चाहिए आपको कलेमता खफी नेिसान सकीरतान फिलमिजान हबीबानरहमान दो कलिमात जो है यही अल्लाह अल्लाहमद्ला के आगे हदीस में जिक्र आ गया था अल्लाह व बिहमदी सुबहानल्लामदही अज़ीम कि जो है उस मीज़ान में बहुत वजन वाले हैं रहमान को बहुत महबूब हैं ज़ुबान पर अदायगी उनकी बहुत सहल है बहुत आसान है खफीफतानसान शकीलतान फिलमीज़ान हबीबत आनमान सुबहानल्लाब हम दही अज़ीम और इन कलेम को मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि हमें अपने रुकू सुजूद में शामिल करना चाहिए हम तो सिर्फ वो तीन मरतबा जल्दी जल्दी सुबहान रबीम सुबह रबीम सुबह रब सुबह रबी रब करके फारि हो जाते जबकि जिसे आप कहिए कि वाक़ता यह कलिम सिर्फ सुबहानल्ला नहीं यह सुबह रबीम सुबह रबी नहीं बल्कि उसमें ये भी ऐड की जाए सुबहानल्लामदी सुबहानल्ल इसी तरह सुबह कल्ला व भी हमदे का अस्तरफरू का मसनू जिक्र है जो नबी अकम सल्ला वसलम सजदी की हालत में किया करते थे सुबह ना वमदे का तो ये दो कलेमा जो हैं वाक्य तक इंसान के दिल की गहराइयों से निकले तो उसकी जो अजमत है, है, दो दो है वही काफी किफायत करने वाली है अलहमदीताबले में शुक्र के लिए है कि जिसने अपने बंदे पर अल किताब को नाजिल फरमाया कुरान को वलम और उसमें किसी किस्म की कोई कजी नहीं रखी इवज़ कहते हैं कजी को कज़राही जिसे कहा जाता है ना नबी अलैहि वसल्लम ने भी एक मौके पर बड़ी प्यारी एक तमसील बल्कि आप उसे अपने जहनों में जिसे तस्वीर लफ्जी कहते हैं वो भी कायम कर सकते हैं कि हजूर ने एक छड़ी के जरिए जमीन के ऊपर एक बिल्कुल सीधी लकीर लगाई और फरमाया ये है सिरात मस्तकीम सीधा रास्ता और उसके बाद आड़ी तिरछी और बहुत सी लकीरें जो है आपने खींची और आपने फरमाया ये हैं असल में वो कजियां वह अवज आप कहेंगे कि जो इंसान जो है अपनी नफ्स परस्ती के अंदर जिनमें मुब्तला हो जाता है वो कजी की तरफ निकल जाता है फिर कुछ फासले तक जाता है ख्याल आता है कि मैं तो उस सरात मुस्तकीम से कहीं दूर निकला है फिर वापस पलटता है और फिर अपने उसी नफ्स की सरकशी के अंदर फिर इसे क्रॉस करता है वह दूसरी इंतहा को निकल जाता है फिर वापस आता है तो कज राहें हजूर ने जो उसमें मुतयन फरमाई थी तो ये इस तरह की बहुत सी आड़ी तिरछी लकीरों की शक्ल में कि जो असल में सरात मुस्तकीम से इन्हराफ कहलाती है और अल्लाह ताला ने इस कुरान में या उसके अंदर किसी कस्म की कोई टेढ़ या कजी नहीं रखी आगे उसकी तफसीर आगे कईमजन शदीद यह कुरान कय है अब कय का लफ्ज जो है किसी शेय को हिदायत के साथ पहुंचा देना यह भी कईम का लफ्ज बाद तफासिर के अंदर तर्जमा किया गया बाद में कहा गया निगरान निगरान के लिए अलग से लफ्ज असलाह मौजूद है मुहैमिन कुरान में आया कुरान के लिए इसलिए कि दूसरी और जितनी भी मुनजम मिनल्लाह किताबें थी जिनमें तहरीफ हो चुकी थी तो रात में भी तहरीफ हो गई थी और दायरे के अंजील की भी सेहत का कहीं किसी ने दावा नहीं किया वो ये कहते हैं बाइबल इज़ विदिन इट बाइबल ये कुल की कुल ये नहीं है कि हम इसे कह गए बाइबल है बल्कि बाइबल इनके अंदर मौजूद है इसके अंदर वो वाजो नसीहतें मौजूद हैं, इसलिए कि वो खुद इसके कायल हैं कि उसके अंदर उसके कितने ही एडिशन आ चुके मती की और लूका की और फरान की इंजील फ्रां की इंजील हर शख्स ने जो है अपने हाफजे की बुनियाद के ऊपर इंजीन मुरतब की नतीजा यह निकला कि उसकी हिफाजत का जिम्मा या उसका दावेदार तो कोई भी नहीं है उसके अंदर तो बहुत सी चाहें मौजूद हैं तो कुरान हकीम मुहमिन तो है ही गोया कि उनकी निगरानी है अब यह आखिरी किताब ने आकर हक और बातिल को बिल्कुल वाजे कर दिया और वही तर्जुमा किया है एक तफसर में कईम के मानी निगरान कसौटी अब गोया कि इस कुरान के नाजिल होने के बाद अब पिछली किताबें जो हैं वो रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगी उसके अंदर तो तहरीफ हो चुकी मनमानी तावीलत उसके अंदर की हैं उसमें सियाको सबाक के अहबार से जो है बहुत ही तहरीफ हो चुकी है उसमें आयात को खुरज खुरज के निकाल दिया गया और अपने मन की जो ख्वाहिशें हैं उनको शामिल कर दिया गया तमाम चीजें तो रात के साथ हुई है, इंजील के साथ हुई तो कयन कायम रखने वाली और उसमें एक एतबार से निगरान का जो उन्होंने तर्जुमा किया या ये कि कसौटी और मेयार या मुहाफिस का तर्जुमा किया तो कय जब कहा गया घर के खानदानी निजाम को चलाने के लिए मर्द को कौाम की हैसियत हासिल है ना कैय वहीं से निकला और रिजानू कवाम अल्लामा इकबाल ने भी जो कहा निस्वानियत जन का मुहाफिज है फकत मर्द ये मुहाफत किसी शह की हिफाजत करना किसी को गार्ड करना किसी की निगरानी करना तो कुरान हकीम इस एतबार से कसौटी है इस एतबार से मुहमिन है निगरान है कि इसने आकर वो तमाम गलत चीजें के जो पहली किताबों के अंदर शा, शामिल हो चुकी थी उन्हें आकर हकोबादल को वाजे कर दिया उसकी अक्सर वेशतर वो, वो मिसाल आपने सुनी भी होगी जो वालिद महत्मर रही दिया करते थे अक्सर वेशतर कि तौरात में मौजूद है कि अल्लाह ज़मीन व आसमान को छह दिनों में पैदा किया में भी मौजूद है लेकिन तौरात में ऐड कर दिया गया कि अल्लाह ने फिर सातवें दिन आराम फरमाया मालूम हुआ कि अल्लाह ताली को भी अपने ऊपर क्याम किए क्यास किया कि जिस तरह इंसान अगर छः दिन मुसलसल मेहनत करता रहे तो उसके कबा मुजमैल हो जाते हैं उसे जरूरत होती आई आराम की ये वसी और ये उस वक्त तो इंसान को इस कायनात की वसत के बारे में गोया कि जिसे आप कहिए पॉइंट वन परसेंट भी अंदाज़ा नहीं था कि कितनी वसी है वो तो ये समझते हो कि सूरज जो है वो चंद को उसके फासले के ऊपर अब कोई जो है वो एक कंदील की शक्ल में गुजर जाता है चांद जो है उससे कोई आगे होगा पीछे होगा इससे ज्यादा कह तो तस्वूर तो नहीं था कोई टेलीस्कोप तो आजाद आज़ाद उस वक्त जो है वो ईजाद नहीं हुई थी जिससे फासले का अंदाजा किया जा सके कि बिलियंस ऑफ लाइटियर्स की मुसाफत और दूरी है बहुत से सारों में तो उस ज़माने में ये तसवर जो है बहरहाल इस हवाले से ये मौजूद था तो कई बन उन जिला तो उन्होंने ये कहा कि सातवें दिन फिर अल्लाह ने आराम फ़रमाया इस वसी और कायनात को पैदा करने के बाद पुरानी हकीम ने उसकी नफी कर दी कि अल्लाह को आराम की हाजत नहीं थी वल अकर खलक नबाद वलअी सदत अयामिन सम्म फिर आज पे मतमक्न हुआ और एक और जगह फरमाया गया कि फिर उसके बाद हमें कोई थकावट ना हमार जो है लाइक नहीं हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें फिर आराम की जरूरत पेश आती तो कई मल्लियरा बासन शदीद यह असल में निगरान है मुहमिन है ठीक ठीक बात करने वाला है सीधी बात करने वाला है हिदायत का जो सीधा रास्ता है उसको वाजे करने वाला है ये तमाम ताबीरत हैं जीरा बासन शदीद मिल्ल ताकि ख़बरदार कर दे एक बहुत बड़े अजाब से बहुत बड़ी आफत से बहुत बड़े इवेंट से जो उसकी तरफ से आएगी अल्लाह की तरफ से आएगी मुराद है क़्यामत क़्यामत भी मुराद ली जा सकती है और पहली कौमों को अगर आप अपने जहन में रखिए तो अजाब भी मुराद ली जा सकती है कि अल्लाह ताला जिन नबियों और रसूलों को भेजता रहा तो आकर जो अपनी कौम को जो मुतनबे करते रहे तो अजाब से डराते रहे कि अजाब तुम्हारे ऊपर नाजिल होगा अगर तुमने अल्लाह को एक ना माना और ये बुतप्रस्ती और शिर की तमाम चीजें जो हैं ये खराफात तर्क ना की तो कई मल्द्र बासन शदीदा मिल्ला दोनों एक तो इंजार आ गया खबरदार कर दे उस बड़ी आफत से वो क्यामत से अब वो अजाब तो तुम्हारे सरों पर मुसलत कर दिया गया है वह यु बशर मुदीन या एक तरफ इंजार है तो दूसरी तरफ तबशीर भी है और बशारत दे दे खुशखबरी दे दे उन लोगों को जो है ईमान है या मरून वो लोग नहीं जो सिर्फ नस्ल की बुनियाद पर मुसलमान है इस बात को नोट कर लीजिए कुरान हकीम में अक्सर वेशतर जहां भी ईमान की अतलाई तो आमाल साल लाजम की तरह साथ जुड़ा हुआ है और खुशखबरी सुना दे उन लोगों को ये कुरान अल्लाह ने इसलिए नाजिल किया कि इंतजार कर दे खबरदार कर दे उस बड़ी आफत से और खुशखबरी दे दे अहले ईमान को अल्लादीन यामून साल वो अहले ईमान के जो नेक नेकमाल करने वाले हैं अजरन हसना के उनके लिए बहुत अच्छा बदला है जो अल्लाह के पास मौजूद नबी याकम सल्लाम की भी यही दो हैसियतें हैं नजीर और बशीर इंजार मुकदम है बशारत पर की भी यही दो हैसियतें खबरदार करने वाला ये भी नजीर है ये भी इंजार का फरीजा देता है इंजार का, का काम कर रहा है इसी तरह यह बशीर भी है बशारत भी देने वाला है जिस तरह नबी अकम सल्ला के जहां अल्लाह तिनवे नाम आए हैं तो बहुत से हजरा ने जो है नबीम सलम की भी बहुत सी सिफात को जमा करके हुजूर के लिए भी निन्यानवे नाम जो है वो तख्लीक कर दिए मुझे नहीं मालूम कि वो किसी हदीस में बाकायदा मौजूद है या नहीं लेकिन ये कि ये तो बहरहाल वो रवायात जो है सही रिवायात हैं जिनमें अल्लाह ताला के आजमायसन नन्नानवे की तादाद में आए और उसके अंदर हुजूर का नाम जो है नज़ीर भी है कुरान हकीम में भी आया इसी तरह बशीर भी है इंजार उसी से नजीर निकला और बशारत उससे बशर निकला कुरान भी और नबी अकम सल्ला वसलम भी माँ किसी नफी अब अदा अहले ईमान को जहाँ बशारत दी गई वहाँ जिक्र कर दिया गया कि उनके लिए बेहतरीन अजर है कि जिसमें वो रहेंगे हमेशा हमेश के लिए माँ किसी नफी ही अबदा म कसा यमकसू आता है किसी शायद का रहना रिहाइशी इख्तियार करना पुराने हकीम में मेरे ख्याल है बी सीओ नहीं शायद सौ मरतबा से भी ज्यादा होगा खालिदी नफी अब अहल जन्नत का जिक्र किया गया वहां भी खलूद है उसमें रहेंगे हमेशा हमेश के लिए अहल जन्नत के साथ तो लाजमन अबदा का लफ्ज आया अहल जहन्नम के लिए भी बहुत से मकाम पर अबदा के लफ्ज आया कि वो रहेंगे हमेशा हमेश के लिए लेकिन बाद इसना ऐसे हैं कि जहाँ अबदा का लफ्ज अहल जहन्नम के लिए नहीं आया अब अगर अबदा का लफ्ज नहीं भी आया तो खलूद का लफ्ज जो है उसके अंदर खुद हमेश की मौजूद है उसके दौरान इतना तवील के जिसका कोई एंड ना हो खलूद उसमें गोया कि आज खुद यह मफह मौजूद है खालिदीन अफिया आबदा आगे कहने की जरूरत नहीं है वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेश के लिए अबदा ने आकर तो गोया कि उसके ऊपर एक मुकर्र इजाफा कर दिया उसके अंदर और एक मज़ीद एक ताक़ीद पैदा कर दी लेकिन अहल जहन्नुम का जहाँ जिक्र आया वहाँ बाज़ मकामा पर अबदा का जिक्र नहीं है जहाँ से हमारे जो बिल गौर वफ़िक्र करने वाले हैं वो इस ये नतीजा निकालते हैं हमारे बुनियादी अकायद में से यकीन नहीं है कि हम जकीे के हामिल हों लेकिन यह कि वो ये नतीजा निकालते हैं कि मालूम होता है जहन्म जो है वह बहुत अरसा जिसकी कवालत का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते उसके बाद बिल आखिर वो मदूम कर दिए जाएंगे और उसके बाद इनका कोई वजूद नहीं रहेगा ये बहरहाल वो एक अंदाजा लेकिन यह कि जहां अहिल जन्नत का आ गया यहां भी देख लीजिए कईमजरा बासन शदीदा शदीदम ये तो आ गया अहिल जहन्नम के लिए कि ताकि उन्हें उस बड़ी आफत से वो खबरदार कर दे और वो जो जहन्नम है और फिर ये वो क़्यामत का दिन है बड़ा आज़ाब जो है उससे खबरदार कर दे लेकिन माँ के सी नफी अबदा का लफ्ज आया अन्ना लहुम अजरन हसन माँ किसी नफी अबदा कि उनके लिए वो अजर है कि जो बहुत ही उमदा अजर है कि जिसमें वो रहेंगे हमेशा हमेश के लिए वयुन जी लजीन कल तखज अल्लाह और यहाँ खास तौर तो पर इंजार मजीद है मजीद खबरदार कर दें उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को बेटा करार दे दिया किसी को वयुन जिलाज अल्लाह और खबरदार कर दे उन्हें जो कहते हैं कि अल्लाह भी रखता है एक औलाद ने भी किसी को बेटा बनाया अल्लाह के भी कोई बेटा है अब ये इंजार मजीद जो है गोया के ये तो उस हवाले से है कि जिसमें अल्लाह ताला का जो गैज वजब अल्लाह का जो गुस्सा है तौर तो पर किसी को अगर मंसूब कर दिया जाए कि यह अल्लाह का बेटा हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हजरत हुजैर अल्लाह के बेटे फरिश्तेल् की बेटियां अब यह वो तस्वर है शिर की गोया के वो डायमेंशन है जो तरीन है इससे ज्यादा नंगे किसी शिर का आप तस्वर नहीं कर सकते और इसको आप अपने ऊपर भी कयास कर सकते हैं कि किसी बच्चे को अगर कोई शख्स आपकी तरफ मंसूब कर दे भाई मैं कहता हूं तुम्हारा बेटा है तुम्हारा बच्चा है अब उससे आप क्या नतीजे निकालेंगे और आपके अंदर जो भी एक हमीयत पैदा होगी और जो गुस्सा पैदा होगा कि किसी की औलाद को आपकी तरफ मंसूब कर दिया जाए कि नहीं ये उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी औलाद है तुम्हारा बच्चा है तो अल्लाह तैज़ गयज वजब सूर्य मरियम के अल्फाज खास तौर तो पर नोट कीजिए जब इस नौ का शिर जो है वो उसका इख्तरा किया जाता है कि अल्लाह के लिए बेटा या बेटी तस्नीफ कर दी जाए समावात या तफक् नमिन हुआ तनशक् तखरुलजबाल हद्दा अमदाउलरहमान आसमान फट पड़ने को है जमीन शक हो जाने को है पहाड़ रेजा रेजा हो जाने को है इतनी बड़ी जसारत इतनी बड़ा बड़ी बात कि इन्होंने रहमान के लिए अल्लाह के लिए किसी को बेटा करार दे दिया कि फला अल्लाह का बेटा है अल्लाह की बेटियां हजरत मसीह हजरत उजैर अल्लाह के बेटे हैं तकादा तो व तरजिबालहमान للرحمن था अब यह क्लाइमैक्स है अल्लाह ताला के गैज़ गज़ब का और अल्लाह के गुस्से के इजहार का के आसमान फट पड़ने को है, जमीन शक हो जाने को है पहाड़ रेजा रेजा हो जाने को है इतनी बड़ी जसारत इनकी इतना बड़ा गुनाह कि किसी को अल्लाह के लिए बेटा या बेटी मंसूब कर दी तो तोी कल तखज़ अल्लाह और खसूसी इंजार और मतनबे और ख़बरदार कर दें उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह के लिए किसी को औलाद तस्नीफ कर दिया किसी के बारे में यह कहा कि अल्लाह का बेटा है अल्लाह ने बेटा बना लिया माल बीम व इतनी बड़ी जसारत जो उन्होंने की जिसके लिए कोई इलमी बुनियाद ना इनके पास है इनके आबा अजदाद के पास है कोई बात अगर मुंह से निकाली जाए तो कोई उसकी बुनियाद तो होनी चाहिए कोई इल्मी दलील कोई मनतखी दलील तो हो माना भी इन इलमी वला कोई इल्मी बुनियाद ना इनके पास है ना इनके वालद इनके पास है आबा अजदाद के पास और आगे फिर वो अल्फाज है कलीमतन कबूरतन तखरुजुमिन बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी जिस जसारत है कि जो इनके मुंहों से निकली है जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि अल्लाह के लिए कोई बेटा है या बेटी है अब ये इतनी बड़ी जसारत इतना बड़ा गुना कबूरत का मुंह से निकल रही है इन इल्ला जो कुछ कह रहे हैं सिवाय झूठ के और कुछ नहीं लेकिन यह कि बहरहाल इन्हीं बुनियादों के ऊपर पूरी पूरी आगे उम्मतें चलती रही जो इसी अकीदे को लिए हुए थी हजरत मसीह इस्लाम को इबन कहने वाले आज भी मौजूद है यह तो नहीं था कि इंतकाल के बाद या उनके जो इंतकाल तो उनका नहीं हुआ उनका तो रफे आसमानी हुई था दुनिया से रफे के बाद उसी वक्त कुछ लोग हुए थे जिन्होंने कह दिया उसके बाद वो लोग मर खप गए नहीं आज भी उनके अकीदे का जुज है ये अलग बात है कि वो गोरख धंधा अभी तक नहीं समझ में आया कि वो तसलीस जो है खुदा है और फिर ये बेटा है फिर रूहुल कुदस है फिर हजरत मरीम को कहाँ एडजस्ट करते हैं फिर रूहुल कुलुदस से क्या मुराद है जबराइल मुराद हैं या ये कि हजरत मरीम मुराद हैं वो उनके अपना ना वो समझने का ना समझाने का वो ममा है जो ना समझता है न समझाने का है तस्वीस का अकीदा लेकिन बहरहाल इसके तो कायल हैं हजरत मसीम इब्नल्ला कहते हैं सन ऑफ गॉड मालूम भी कबरत कलीमतन अफ़ाहिम बहुत बड़ी बात है कि जो उनके मुंह से निकली है इन इल्ला जिबा जो कह रहे हैं कुल का कुल झूठ है कोई बुनियाद नहीं इसकी फला का बा आसारदीसी अफफा तो शायद के नबी सल वसलम आप अपने आप को हलाकत में डाल लें आला आसारह इनके पीछे इनके ख्याल में अगर ये ईमान न लाएं बिहाज़ल से असफा हालांकि ये बात के जो आप इन तक पहुंचा रहे हैं इन तक पहुंच रही है इनके जितने भी फरसूदा जो भी बात नजरियात थे सबकी नफी हो रही है जो लोग अल्लाह के लिए किसी बेटा या बेटी के कायल थे उसकी भी नफी हो रही है लेकिन उसके बावजूद जो है शायद कि आप इनके ऊपर इनके इस अफसोस में कि ये ईमान क्यों नहीं ला रहे अपने आप को हलाक करने के दर पे हैं और इसके ऊपर इंतहाई जिसे आप कहिए कि बहुत ही परेशान हैं बहुत ही मायूस हो चुके हैं कि अब ये लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे अब ये वो शह है गोया कि अब ये शुरय मुबारक जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि ये हजूर पर नाजिल हुई सन छः या सात नब्बी समझ लीजिए तो हजूर सलील वसलम को दावत व तब्लीग का का काम करते हुए छः सात बरस बीत गए और वहां के जो भी सरकरदा लोग थे उनमें से अक्सर वो बेशर वो थे जो टस से मस होने को तैयार नहीं मक्की कुरान का बहुत सा हिस्सा नाजिल हो चुका बारहा वो बातें उनके सामने आ चुकी पहली कौमों तो की का जिक्र भी आ चुका जिनकी तरफ अल्लाह ताला अपने नबियों रसूलों को भेजते रहे जिनके लिए बिल आखिर जो है हलाकत का फैसला वो सब कुछ हो गया उसके बावजूद ये टस से मस होने को तैयार नहीं तो ए नबी सल्ला शायद आप इस गम में अपने आप को हलाक कर देंगे ये क्यों आगे नहीं बढ़ रहे इस सी बात इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही वही बात है ना जो सूरह हज मक्की सूरत है उसके आखिर में जो कहा गया किस किस पैरा में इन्हें बात नहीं समझाई कैसे कैसे उस से इनके ऊपर बात वाजे नहीं की के वो मूर्तियां जो तुम अपने हाथों से बुन बनाते हो जो एक मक्खी तक की तकलीफ पर कादिर नहीं है एक मक्खी को अपने सामने से जो है हिला नहीं सकते हटा नहीं सकते हलवे मांडे जो पड़े हुए मक्खियां रही हैं उसके बावजूद तुम समझते हो कि ये शायद तुम्हारे हाजत रवा हैं मुश्किल कुशा हैं ये शायद तुम्हारी तमाम तुम जरूरतें पूरा करने वाले हैं यह अलग बात है कि इस एतबार से वो तोहीद के कायल थे कि जमीन व आसमान को अल्लाह ने पैदा किया बारिश अल्लाह बरसाता है जमीन से फसलों को निकालने वाला जमीन में कुत नमू अल्लाह ने रखी इस बात को मानते थे लेकिन उसके बावजूद मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई इसके लिए इसके लिए गोया कि उन्होंने वो देवियां और तमाम चीजें जो हैं वो जिसको आप कहिए उनकी खिलकत हो गई थी उनके हाथों लिहाजा उन्हें वहाँ मुतनबे किया गया कि बयान करता है। था था लगा कर ये जिनको तुम्हें के सिवा पुकार रहे वो तो एक मक्खी की तखलीक पर भी का नहीं है तुम्हें कोई बेटा या बेटी दे देना तुम्हें औला दे देना तुम्हारी मुश्किल रफा कर देना तुम्हारी किसी हाजत को बरलाना यह इनके बस में कहा है यह तो एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते तो कौन कौन सा उसलूब था कि जो मक्की सूरतों में वाजे नहीं होता रहा अब तक जो कुरान नाजिल हो चुका लिहाजा नबी अकम सल्ला वसम के ऊपर जो है बहुत ही शदीद जिसे आप कहिए कि यह दबाव था कि यह ईमान क्यों नहीं ला रहे और दूसरी तरफ मक्की सूरतों में जिन रसूलों का जिक्र किया गया तो मालूम होता है कि शायद पैमाने सब्र जो है अल्लाह ताली का वो भी लबरेज होने वाला है क्या जबकि अल्लाह तला की तरफ से इनके ऊपर वो आसमान से कोई अजाब ऐसा नाजिल होकर तमाम लोग जो है हलाक कर दिए जाए अगरचे इस बात का तो ये पूरी तरह जो है यकीन था कि अहले ईमान को और वक्त के रसूल को अल्लाह लाजमन बचाता है बचाता रहेगा अपने बारे में कोई अंदेशा नहीं था लेकिन ये अपने ही किचन किर्णस थे ना अपने ही कबीले के लोग थे अपने ही इलाके के रहने वाले थे अपने ही भाई बन थे इनके बारे में ही अंदेशा होता था कि अल्लाह का आजाब आया तो इनका क्या बनेगा ये तो गोया के जहनुम बासिल हो जाएंगे सब तो रीन यह दबाव था जो हजूर पर था जिसको यहां फरमाया गया फल का जो ईमान नहीं ला रहे तो ए नबी सब मायूसी और पछताने की वजह से और जो आपके ऊपर गलबा है इसका जो दबाव है उसकी वजह से आप अपने आप को हलाक कर ले अब यह वो कैफियत है कि जिनमें आयात नाजिल हो रही है गोया के आगे बढ़ने को कोई तैयार नहीं है टस से मस होने को कोई तैयार नहीं और अपनी ज़ुबान से हज़ूर को सादिक और अलमीन का ख़िताब जो लकब जो है वो भी दे चुके लेकिन उसके बावजूद आपको साहिर भी कह रहे हैं काहिन भी कह रहे हैं काजिम भी कह रहे हैं कि तमाम अल्फ़ाज़ जो है उन लोगों ने इंतहाई नामुनासि नाजेबा अल्फात के लिए इस्तेमाल किए अब अगली आयत जो है सातवीं और आठवीं आयत वो बहुत ही अहम भी है वक्त हमारे पास अब बिल्कुल नहीं तो इब्तदाई छः आयात ही पर आज मैं इतफ़ा कर रहा हूँ अगर काफ़ी वक्त हमारा इसकी इस मुबारक की अज़मत और फजीलत और उसके ज़िमन में जो तमहीदी बातें थीं उसमें सर्फ हो गया इन आइंदा अब अगली आयात जो है इनशा हम तेज़ी से उसको कवर करेंगे बारकल्ला वलकम फ़िर अज़ीम व नफ़ा व्याकम बिल आयात वक्कीम